बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल? आई होप यू ऑल आर फाइन एंड सेफ। अल्लाह कीप यू सेफ एट होम्स। टुडे वी विल स्टार्ट आवर सेकंड टर्म फर्स्ट लेक्चर, चैप्टर नंबर 11, होम्योस्टेसिस, योर बुक पेज नंबर 18। सो कैन यू टेल मी व्हाट इज होम्योस्टेसिस? क्या होता है होम्योस्टेसिस? इट इज द मेंटेनेंस ऑफ द इंटरनल बॉडी कंडीशंस। ठीक है, यानी आपकी बॉडी की जो इंटरनल कंडीशंस हैं, उसमें चाहे कंडीशन में आपकी बॉडी का टेम्परेचर आ जाता है, उसमें आपकी बॉडी में वाटर की बैलेंस का एक प्रॉब्लम जो है वो आ जाता है, सॉल्ट्स मिनरल्स आ जाते हैं, जो आपकी बॉडी में मेटाबॉलिज्म चल रहा होता है उसमें जो वेस्ट मटेरियल प्रोड्यूस हो जाते हैं उनकी मेंटेनेंस आ जाती है, बॉडी में रखना है नहीं रखना, बाहर निकालना है, मेंटेन कैसे रखना है बॉडी में। ठीक है, सो आपके बाहर, आपकी बॉडी से बाहर जो मर्जी चल रहा है, सूरत हाल जो है जैसे भी है, लेकिन बॉडी को जो एक टेम्परेचर या एक वाटर का एक इक्विलिब्रियम या बॉडी के अंदर जो आपके वेस्ट मटेरियल का एक बैलेंस मेंटेन रखना है ना, उसको कहते हैं होम्योस्टेसिस। सो आज के हम इस चैप्टर में होम्योस्टेसिस का थोड़ा सा इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे, फिर हम लोग, मैंने जो भी आपको बताया कि वाटर बैलेंस प्रॉब्लम की जो सॉल्यूशन है उसका टर्म है ऑस्मोरेगुलेशन, सो हम इसको पढ़ेंगे। फिर आ जाता है थर्मोरेगुलेशन, यानी कि टेम्परेचर की रेगुलेशन आपकी बॉडी की कैसे आ जाती है। देन आ जाता है एक्सक्रीशन, यानी कि जो वेस्ट मटीरियल आपकी बॉडी में डेवलप हो रहे हैं, बन रहे हैं, उनको कैसे बॉडी से बाहर निकालना है। फिर हम लोग होम्योस्टेसिस प्लांट्स में पढ़ेंगे। तो प्लांट्स में होम्योस्टेसिस किन किन चीजों में आ रहा है? रिमूवल ऑफ एक्स्ट्रा कार्बन डाइऑक्साइड एंड ऑक्सीजन, यानी कि ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड अगर उसमें प्लांट्स में ज्यादा या कम हो जाती है तो उनको कैसे बाहर निकाला जाता है या लिया जाता है। देन रिमूवल ऑफ एक्स्ट्रा वाटर, यानी कि ऐसे प्लांट्स जिनको बहुत ज्यादा वाटर मिलता है तो वो एक्स्ट्रा वाटर अपनी बॉडी से कैसे बाहर निकालें, सो वो आ जाता है होम्योस्टेसिस में मेंटेनेंस। देन रिमूवल ऑफ अदर मेटाबॉलिक वेस्ट, यानी कि जो उनमें भी एनाबॉलिज्म कैटाबॉलिज्म में जो वेस्ट मटीरियल प्रोड्यूस हो रहा है उसको वो कैसे अपनी बॉडी से बाहर निकालें। फिर हम पढ़ेंगे ऑस्मोटिक एडजस्टमेंट्स इन प्लांट्स, यानी कि बहुत सारे, देखो आपकी पूरा जो वर्ल्ड है, आपकी जो दुनिया है वो एक जैसी प्लेन नहीं है, माउंटेन्स भी हैं, ओशंस हैं, रिवर्स हैं, डेजर्ट्स हैं, लैंड है, सो हर जगह के रहने वाले एनिमल्स एज वेल एज प्लांट्स डिफर करते हैं। जो आपको ओशन में प्लांट्स या एनिमल्स मिलते हैं वो आपको लैंड में नहीं मिलेंगे, जो लैंड में डेजर्ट एरिया में मिलते हैं वो आपको माउंटेनियस रीजन में नहीं मिलेंगे। ठीक है, सो वो यहाँ पर ये कह रहे हैं कि ऐसे प्लांट्स जो कि डेजर्ट में रहते हैं उनको पानी की कमी जो होती है वो पानी की कमी को किस तरह से अपने अंदर पूरा रखते हैं, जो ओशन वाले प्लांट्स हैं वो अपने अंदर जो एक्स्ट्रा वाटर उनमें आ रहा होता है उसको कैसे बाहर निकालते हैं, और जो लैंड वाले प्लांट्स हैं वो क्या करते हैं, या जो रिवर्स में रहने वाले प्लांट्स हैं वो क्या करते हैं। ठीक है, सो ऑस्मोटिक एडजस्टमेंट, ऑस्मोटिक में पानी के साथ जो हम खेलते हैं, ठीक है, उसको ऑस्मोटिक का नाम देते हैं। ऑस्मोसिस से याद रख लो कि डिफ्यूजन जो होती है वो गैसेस में होती है और पानी में क्या होता है, ऑस्मोसिस होता है। सो ऑस्मोटिक एडजस्टमेंट, पानी के एडजस्टमेंट प्लांट्स में, उन्होंने प्लांट्स की टाइप्स बताई हैं, हाइड्रोफाइट, वेरोफाइट एंड हेलोफाइट, ये उसकी टाइप्स है। हम पढ़ेंगे कि कौन कौन सी टाइप कहाँ कहाँ यानी वर्ल्ड के किस किस रीजन में होती है, ठीक है, और फिर जिस जिस रीजन में है वहां पे वाटर की जो प्रॉब्लम आ रही है उनको फेस करना पड़ रही है वो कैसे फेस कर रहे हैं। नाउ कम टू योर बुक पेज नंबर 18, हम चैप्टर स्टार्ट करते हैं बुक से, फिर आगे वहां से कंटिन्यू करते हैं। जी स्टूडेंट्स, तो ये आपका पेज नंबर 18, चैप्टर नंबर 11, होम्योस्टेसिस। होम्योस्टेसिस मे बी डिफाइंड एज द मेंटेनेंस ऑफ द इंटरनल कंडीशन ऑफ बॉडी एट इक्विलिब्रियम डिस्पाइट चेंजेस इन द एक्सटर्नल एनवायरनमेंट। मैंने अभी आपको बताया आपकी बॉडी से बाहर एक्सटर्नल एनवायरनमेंट, चाहे सर्दी है, टेम्परेचर 5 तक जा रहा है, इवन माइनस में जा रहा है, या गर्मी है 45, 40, 50 तक जा रहा है, जैसा मर्जी है, ठीक है, या बाहर बहुत सैलाब आ रहा है, बारिश हो रही है, पानी बहुत ज्यादा है, या बहुत ड्राई कंडीशन है, जो भी बाहर आपकी बॉडी से बाहर जैसी मर्जी सूरत हाल है, लेकिन आपकी बॉडी ने अपनी जो उसने मेंटेन एक चीज रखनी है ना, उसने वैसे ही रखनी है, उसने ये नहीं देखना बाहर पानी बहुत ज्यादा अंदर ले लो, ठीक है, बाहर गर्मी बहुत ज्यादा, खुद को भी गर्मी के लिहाज से एडजस्ट कर लो। आपकी बॉडी का टेम्परेचर 37 है तो मीन्स वो 37 डिग्री ही रहेगा, इससे थोड़ा ऊपर नीचे हो जाता है तो आप बीमार हो जाते हो, ठीक हो गया। उन्होंने आगे फॉर एग्जाम्पल कह के एग्जाम्पल यही दी है, द कोर टेम्परेचर ऑफ ह्यूमन बॉडी रिमेन्स एट अबाउट 37 डिग्री डिस्पाइट फ्लक्चुएशंस इन द सराउंडिंग एयर टेम्परेचर, ठीक है, यानी आपकी बॉडी का जो कह लें कि टेम्परेचर वो 37 ही रहता है, बाहर वाला टेम्परेचर चाहे जितना मर्जी चेंज होता रहे। सिमिलरली द ब्लड ग्लूकोज लेवल रिमेन्स अबाउट 1 ग्राम पर लीटर डिस्पाइट ईटिंग अ मील रिच इन कार्बोहाइड्रेट। इसी तरह वो कह रहे हैं कि बॉडी में आप चाहे जैसे रिच इन कार्बोहाइड्रेट चॉकलेट ले लो, बड़ी वाली चॉकलेट ले लो, ठीक है, आप जितनी मर्जी बड़ी वाली चॉकलेट खा लो, यानी कार्बोहाइड्रेट ले लो, 4-5 रोटियां खा लो, ठीक,
तो फिर भी आपकी बॉडी के अंदर जो ग्लूकोज का लेवल है वो 1 ग्राम पर लीटर ही रहेगा, ठीक है। बाकी जो एक्स्ट्रा वो सारा आपकी बॉडी ग्लाइकोजन में कन्वर्ट कर देती है, लेकिन बॉडी के अंदर ग्लूकोज 1 ग्राम ही रहता है। सो बॉडी सेल्स नीड इंटरनल एनवायरमेंट एट विच कंडीशंस डू नॉट चेंज मच। स्टेबल इंटरनल कंडीशंस आर इंपॉर्टेंट फॉर द इफिशियंट फंक्शनिंग ऑफ एंजाइम्स। द फॉलोइंग आर सम एग्जांपल्स ऑफ होम्योस्टेसिस। अब वो यहाँ पे साथ में ये कह रहे हैं कि बॉडी को ऐसा क्यों है कि उसने अपना इंटरनल टेम्परेचर, अपनी इंटरनल कंडीशन सब मेंटेन रखनी है। क्यों ऐसा है कि अगर वो थोड़ी चेंज हो जाती है तो बॉडी जो है वो स्टेबल नहीं रहती। उसका आंसर ये है कि आपकी बॉडी में एंजाइम्स होते हैं और हर एंजाइम स्पेसिफिक नेचर का होता है, ठीक है। कुछ एंजाइम्स ने 37 डिग्री पे ही काम करना है, आप 37 से 40 डिग्री पे लेके जाओगे बॉडी का टेम्परेचर या 45 पे लेके जाओगे तो वो एंजाइम्स तबाह हो जाएंगे, खत्म हो जाएंगे, ठीक है। 37 से कम होगा आपका बॉडी का टेम्परेचर, 20 आ जाएगा, 25 आ जाएगा, तो वो जो एंजाइम्स है वो स्लो डाउन हो जाएंगे अपनी जो उनका आगे जाकर पढ़ोगे एंजाइम्स भी क्या होता है, ठीक है। लेकिन ये कि जो एंजाइम्स का फंक्शन है ना, जो काम करते हैं एंजाइम्स, वो अपना काम करना वो खत्म कर देते हैं अगर उनको उनकी स्पेसिफिक कंडीशंस नहीं मिलती, ठीक है। क्योंकि वो प्रोटीन के होते हैं और प्रोटीन को ज्यादा गर्मी दोगे तो वो अपनी शेप चेंज कर देगा, वो डीनेचर हो जाएगा। सर्दी में रखोगे तो वो काम नहीं करेगा, यानी वो वैसा ही रहेगा जैसे वो इनएक्टिव फॉर्म में है। सो एंजाइम्स को अपनी एक्टिविटी के लिए जरूरी है स्पेसिफिक कंडीशंस, और उन स्पेसिफिक कंडीशंस को मेंटेन रखने के लिए बॉडी के अंदर होम्योस्टेसिस होता है। और बॉडी के लिए एंजाइम्स उतना ही जरूरी है जितना आपको सांस लेने के लिए पानी या हवा या पानी की, यानी जिंदा रहने के लिए हवा पानी की जरूरत होती है। सो फर्स्ट आ जाए ऑस्मोरेगुलेशन। इट इज मेंटेनेंस ऑफ द अमाउंट ऑफ वाटर एंड सॉल्ट इन बॉडी फ्लूइड, फॉर एग्जाम्पल ब्लड एंड टिश्यू फ्लूइड। वी नो दैट द रिलेटिव अमाउंट ऑफ वाटर एंड सॉल्ट इन बॉडी फ्लूइड एंड इन साइड सेल्स कंट्रोल द प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन एंड ऑस्मोसिस विच आर एसेंशियल फॉर द फंक्शनिंग ऑफ सेल्स। रिकॉल द कंसेप्ट ऑफ टोनिसिटी फ्रॉम ग्रेड 9 बायोलॉजी। तो अब यहाँ पे वो क्या कह रहे हैं कि ऑस्मो रेगुलेशन का क्या मतलब है कि आपके बॉडी के अंदर वाटर की और सॉल्ट्स की जो उनसी रिक्वायरमेंट है उसको मेंटेन रखना, ठीक है। यानी कि बॉडी में जब एक हद से ज्यादा पानी पी लेते हो यूरिन की फॉर्मेशन होना शुरू हो जाती है, ठीक है। और अगर आप थोड़ा कम पीते हो तो वो यूरिन की फॉर्मेशन नहीं होती है, कह लो कि यूरिन ज्यादा प्रोड्यूस नहीं आता, यानी प्रोड्यूस नहीं होता, ठीक है। और जितना ज्यादा यूरिन प्रोड्यूस होगा उतने ज्यादा आपकी बॉडी में से सॉल्ट भी बाहर जाएंगे, ठीक है, और नहीं होगा तो वो आपकी बॉडी के अंदर ही रहेंगे। अब ये बॉडी को पता है कि उसने आपकी बॉडी के यानी अंदर पानी का लेवल या वाटर सॉल्ट का लेवल, मिनरल्स का लेवल मेंटेन कैसे रखना है, यूरिन ज्यादा करवाकर, स्वेटिंग भी है, स्वेटिंग ज्यादा करवाकर या फिर नहीं करवा के, ठीक है। इसके अलावा वो कह रहे हैं थर्मो रेगुलेशन पे आ जाए। द मेंटेनेंस ऑफ इंटरनल बॉडी टेम्परेचर इज कॉल्ड थर्मो रेगुलेशन। द एंजाइम्स ऑफ बॉडी वर्क बेस्ट एट पर्टिकुलर टेम्परेचर, दैट इज ऑप्टिमम टेम्परेचर। एनी चेंज इन द बॉडी टेम्परेचर में इफेक्ट द फंक्शनिंग ऑफ एंजाइम्स। अब यहाँ पे वो क्या कह रहे हैं कि बॉडी का इंटरनल टेम्परेचर मेंटेन रखने को थर्मो रेगुलेशन का नाम देते हैं। और वो क्यों कह रहे हैं, क्योंकि बॉडी में जो एंजाइम्स हैं वो अपने स्पेसिफिक जो मैंने अभी आपको बताया, बल्कि आप 9th में अच्छा खासा पूरा एक चैप्टर पढ़ के आया हूँ, मैं भूल गई थी, आप लोगों ने पूरा तो चैप्टर पढ़ा तो हुआ है एंजाइम्स का, तो सो मुझे इतना ज्यादा एंजाइम्स को बताने की जरूरत नहीं है। आपको पता है कि एंजाइम्स ऑप्टिमम टेम्परेचर पे काम करते हैं, सो उसको टेम्परेचर को मेंटेन रखने के लिए थर्मो रेगुलेशन का प्रोसेस हमारी बॉडी करती है। देन आ जाते हैं एक्सक्रीशन। इट इज ऑल्सो अ प्रोसेस ऑफ होम्योस्टेसिस। इन दिस प्रोसेस द मेटाबॉलिक वेस्ट आर इलिमिनेटेड फ्रॉम बॉडी टू मेंटेन द इंटरनल कंडीशन एट इक्विलिब्रियम। सो कुछ ऐसे भी हमारी बॉडी में सॉलिड मटेरियल आ जाता है जो कि आपकी बॉडी वाटर के जरिए या स्वेट के जरिए बाहर नहीं निकाल सकती है, क्योंकि जब यूरिन प्रोड्यूस होता है या स्वेटिंग होती है, मिनरल्स और सॉल्ट्स तो उसमें डिजोल्व होकर निकल आते हैं, लेकिन जो सॉलिड मटीरियल है वो रह जाता है। सो उसको आपकी बॉडी के अगर वो अंदर ही रहेगा तो वो आपकी बॉडी में कह लो कि डिजीज कॉज करेगा। सो उसको भी आपकी बॉडी से बाहर निकलना जरूरी है, लाजमी है। सो उसके बाहर निकलने को हम एक्सक्रीशन का नाम देते हैं। ब्लू बॉक्स में आ जाए वेस्ट मटीरियल। मींस एनी मटीरियल दैट इज प्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग बॉडी मेटाबॉलिज्म एंड दैट मे हार्म द बॉडी, ठीक है। इन्होंने मेटाबॉलिक वेस्ट की आपको डेफिनेशन बताई है कि वो क्या है। मेटाबॉलिक वेस्ट आपकी बॉडी में जो मेटाबॉलिज्म हो रहा है उसके रिजल्ट में जो प्रोडक्ट्स बन रहे हैं, जो वेस्ट प्रोडक्ट्स बन रहे हैं, ठीक है। यानी जो आप एक रिएक्शन लिखते हो उसमें एक तो मेजर प्रोडक्ट होता है ना, और एक साइड बाय प्रोडक्ट होता है। सो जो बाय प्रोडक्ट्स बनते हैं वो हमारी बॉडी के लिए हार्मफुल है।
देन आ जाते हैं होम्योस्टेसिस इन प्लांट्स, यानी प्लांट्स के अंदर होम्योस्टेसिस अब कैसे हो रहा है हम वो पढ़ने लगे हैं। प्लांट्स रिस्पॉन्ड टू एनवायरमेंटल चेंजेस एंड कीप द इंटरनल कंडीशंस कांस्टेंट, दैट इज होम्योस्टेसिस। दे अप्लाई डिफरेंट मैकेनिज्म फॉर द होम्योस्टेसिस ऑफ वाटर एंड अदर केमिकल्स लाइक ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन मटीरियल्स एटसेट्रा। सो इसमें वो प्लांट्स की भी बात यही करेंगे, जैसे हम अपनी बॉडी को मेंटेन रखते हैं प्लांट्स भी अपनी बॉडी को मेंटेन रखते हैं, यानी अपनी बॉडी में ना पानी को ज्यादा होने देते हैं, ना ऑक्सीजन को, ना कार्बन डाइऑक्साइड को, ठीक है। सो पहला पॉइंट आ जाता है रिमूवल ऑफ एक्स्ट्रा कार्बन डाइऑक्साइड एंड ऑक्सीजन, यानी कि अगर एक्स्ट्रा कार्बन डाइऑक्साइड, ऑल्दो प्लांट्स को कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए फोटोसिंथेसिस के लिए, लेकिन फिर भी कब तक, रात के टाइम तो नहीं ना होती है फोटोसिंथेसिस, तब उनको कार्बन डाइऑक्साइड की जरूरत नहीं है, तो तब उन्होंने उसको रख के क्या करना है, सो अपनी बॉडी से बाहर निकालते हैं उसको, सही है। सो वो कह रहे हैं कि ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड बॉडी से कैसे बाहर निकाल रहे हैं प्लांट्स, इन डे टाइम द कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस ड्यूरिंग सेलुलर रेस्पिरेशन इज यूटिलाइज इन फोटोसिंथेसिस एंड हेंस इट इज नॉट अ वेस्ट प्रोडक्ट, यानी डे टाइम में कार्बन डाइऑक्साइड प्लांट्स के लिए वेस्ट प्रोडक्ट नहीं है क्योंकि वो फोटोसिंथेसिस में यूज हो रही है, बट एट नाइट इट इज सरप्लस बिकॉज देर इज नो यूटिलाइजेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, इट इज रिमूव फ्रॉम द टिश्यू सेल्स बाय डिफ्यूजन इन लीव्स एंड यंग स्टेम्स, कार्बन डाइऑक्साइड एस्केप आउट थ्रू स्टोमेटा इन यंग रूट्स, कार्बन डाइऑक्साइड डिफ्यूजेस थ्रू द जनरल रूट सर्फेस स्पेशली थ्रू रूट हेयर्स, सही हो गया। सो यहाँ पे कह रहे हैं कि रात के टाइम में जब उनको नहीं चाहिए होती कार्बन डाइऑक्साइड तो वो अपनी बॉडी से बाहर निकालते हैं थ्रू डिफ्यूजन, और मोस्टली कहाँ से निकलती है, स्टोमेटा से, और इसके अलावा जनरल सर्फेस ऑफ रूट हेयर्स में से भी निकल जाती है, ठीक है। यानी तीन चीजें आ जाती हैं, एक स्टोमेटा आ जाती है, इसके अलावा जनरल सर्फेस ऑफ रूट आ जाती है, ठीक, जिसमें वो रूट हेयर का नाम दे रहे हैं, और समटाइम्स बार्क भी इस चीज का, बार्क में जो वोलेंटी सेल्स हैं वो भी इस चीज का काम करते हैं, लेकिन आपको यहाँ पे खैर उन्होंने स्टोमेटा और रूट हेयर्स का ही बताया, सो इतना ही याद रखें। ऑक्सीजन इज प्रोड्यूस्ड इन मेसोफिल सेल्स ओनली ड्यूरिंग डे टाइम एज अ बाय प्रोडक्ट ऑफ फोटोसिंथेसिस, आफ्टर इट्स यूटिलाइजेशन इन सेलुलर रेस्पिरेशन द मेसोफिल सेल्स रिमूव द एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन थ्रू स्टोमेटा। सो वो कह रहे हैं कि जो ऑक्सीजन है उनके रात में उनको कार्बन डाइऑक्साइड नहीं चाहिए होती, कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकालते हैं, दिन में उनको ऑक्सीजन नहीं चाहिए होती, ठीक है, यानी चाहिए है लेकिन प्रोड्यूस उससे ज्यादा हो रही है, सो दिन में उनके लिए ऑक्सीजन एक एज अ वेस्ट प्रोडक्ट है, सो वो अपने बॉडी से बाहर निकाल देते हैं थ्रू स्टोमेटा, लेकिन रात में उनको भी ऑक्सीजन चाहिए भी होती है। देन आ जाता है रिमूवल ऑफ एक्स्ट्रा वाटर, वी नो डैट प्लांट्स ऑब्टेन वाटर फ्रॉम सॉइल एंड इट इज ऑल्सो प्रोड्यूस इन द बॉडी ड्यूरिंग सेलुलर रेस्पिरेशन, प्लांट्स ऑल्सो स्टोर लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर इन देयर सेल्स फॉर टर्जिडिटी, एक्स्ट्रा वाटर इज रिमूव फ्रॉम प्लांट बॉडी बाय ट्रांसपायरेशन। सो वो यहाँ पे ये कह रहे हैं कि प्लांट्स जो सा पानी है वो सॉइल से ले लेते हैं, उनकी बॉडी को जरूरत भी होती है उसकी, और टर्जिडिटी भी प्रोवाइड करता है वो बॉडी को प्लांट्स की, यानी कि उनको एक मेंटेन हाइट तक मेंटेन रखता है, खड़ा रखता है, उनको गिरने नहीं देता, ढीला नहीं होने देता, लेकिन फिर भी एक्स्ट्रा अमाउंट जो सी पानी की आ जाती है तो वो, यानी आपने सपोज एक पॉट में पानी देना था नॉर्मल हद तक, लेकिन आपने पॉट को पूरा पानी से भर दिया है, सो उस टाइम अब प्लांट को वो पानी एक्स्ट्रा मिल गया ना, तो वो एक्स्ट्रा पानी कहाँ से निकालेगा बाहर, थ्रू ट्रांसपिरेशन। एट नाइट ट्रांसपिरेशन यूजली डज नॉट अकर बिकॉज मोस्ट प्लांट्स हैव देयर स्टोमेटा क्लोज्ड, इफ देयर इज अ हाई वाटर कंटेंट इन सॉइल वाटर एंटर्स द रूट एंड इज एक्युमुलेटेड इन ज़ाइलम वेसल्स, सम प्लांट्स सच एज ग्रासेस फोर्स दिस वाटर थ्रू स्पेशल पोर्स प्रेजेंट एट लीफ टिप और एज एंड फॉर्म ड्रॉप्स, द अपीयरेंस ऑफ ड्रॉप्स एंड ऑफ वाटर ऑन द टिप्स और एजेस ऑफ लीफ इज कॉल्ड ग्यूटेशन। सो अब यहाँ पे वो कह रहे हैं कि ऐसे प्लांट्स, एक तो पहली बात है कि रात में धूप नहीं होती, ठीक है, जब धूप नहीं है तो पानी ने ट्रांसपेरेंट होके एब्जॉर्ब बादलों में नहीं कन्वर्ट होना, एनवायरनमेंट में एब्जॉर्ब नहीं होना, तो रात में क्या होता है कि वैसे तो पानी कम ही बाहर निकलता है, एक तो गर्मी नहीं होती, दूसरा ये कि स्टोमेटा भी बंद होते हैं, ठीक है। सो क्या होता है कि कुछ ऐसे जो आपके छोटे प्लांट्स हैं जैसे ग्रासेस हैं उनमें स्पेशल पोर्स होते हैं लीव्स की टिप पे, कॉर्नर पे, ठीक है, तो पानी वहां उन पोर्स में से बाहर आ जाता है और ऐसे लगता है जैसे वो एक ड्रॉप बन के लीफ की टिप से नीचे गिरने लगा है, ठीक है। सो अब ये जो लीफ की टिप पे से वो पानी का नीचे गिरना है, इस प्रोसेस को नाम देते हैं ग्यूटेशन। ये आप इसको ड्यू ड्रॉप्स के साथ बहुत सारे लोगों बच्चे जो हैं या जो ऐसे लोग जो सुबह वॉक के लिए जाते होंगे वो देखते होंगे, तो उनको मम्मा पापा यही कहते हैं जी रात को ओस पड़ी थी तो ये वो ओस का पानी है, ठीक है।
जो ओस का पानी होता है वो आपके पूरे लीफ की सरफेस पे होता है, सारी जगह पे होता है, लेकिन जो ये ग्रुटेशन वाला पानी है ये सिर्फ उसकी एज पे, कॉर्नर पे, टिप पर होगा, ठीक है। सो ड्यू ड्रॉप को और ग्रुटेशन वाले ड्रॉप को कन्फ्यूज नहीं करना। रिकॉलिंग ट्रांसपिरेशन इज लॉस ऑफ वाटर फ्रॉम प्लांट सर्फेस इन द फॉर्म ऑफ वेपर्स। सेकेंड ब्लॉक, ग्रुटेशन इज नॉट टू बी कन्फ्यूज विद ड्यू, ड्यू मीन्स ओस, ठीक है, विच कंडेंस फ्रॉम द एटमोसफेयर इन टू द प्लांट सर्फेस। तो ड्यू क्या है, एटमोसफेयर से कंडेंस हुई भी होती है और प्लांट्स की पूरी सर्फेस पे आती है। देन आ जाता है रिमूवल ऑफ अदर मेटाबॉलिक वेस्ट। प्लांट डिपॉजिट मैनी मेटाबॉलिक वेस्ट इन देयर बॉडीज एज हार्मलेस इन सॉल्युबल मटीरियल, यानी हमारे लिए हार्मलेस होते हैं, ठीक है, उनके लिए तो वो हार्मफुल है लेकिन हमारे लिए हार्मलेस है, जैसे कि आयरन है, कैल्शियम है, कार और बहुत सारी। नेक्स्ट पेज पे आप पढ़ोगे क्रिस्टल्स फॉर्मेशन भी आ जाती है, यानी कैल्शियम ऑक्सीलेट भी, यानी कह लो कि बहुत सारे केमिकल मटेरियल्स होते हैं जो कि उनमें जब प्लांट्स में जब चल रहा होता है मेटाबॉलिज्म का प्रोसेस चल रहा होता है तो वो बहुत सारे मटेरियल्स बनते हैं, उनके लिए तो वो हार्मफुल होते हैं लेकिन हमारे लिए हार्मलेस होते हैं और वो डिपॉजिट हो जाते हैं फूड के अंदर, और जब हम वो फूड खाते हैं या वो वेजिटेबल्स खाते हैं तो हमारे लिए वो यूजफुल भी हैं, ठीक है, उनके इसलिए उन्होंने हार्मलेस का नाम दिया, हमारे लिए वो हार्मलेस है, हम उसको खा सकते हैं लेकिन प्लांट के लिए वो हार्मफुल है। सो फॉर एग्जाम्पल कैल्शियम ऑक्सीलेट इज डिपॉजिट इन द फॉर्म ऑफ क्रिस्टल इन द लीव्स एंड स्टेम्स ऑफ मेनी प्लांट्स, फॉर एग्जाम्पल इन टोमेटो, ठीक है। सो टोमेटो के अंदर कैल्शियम ऑक्सीलेट बहुत ज्यादा होता है, अब ये उनके लिए तो हार्मफुल मटीरियल है लेकिन हमारे लिए ये हार्मलेस मटीरियल है। नेक्स्ट पेज पे आ जाए, इन ट्रीज विच शेड देयर लीव्स अर्लियर ईयरली द एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट आर रिमूव्ड फ्रॉम बॉडी ड्यूरिंग लीव फॉल। यानी वैसे कहने के ऐसे प्लांट्स जो कि अपने पत्ते झड़ते रहते हैं, जिनके ट्रीज के पत्ते झड़ते रहते हैं ईयरली, सो वो कहने के उनका जो एक्स्ट्रा बॉडी में वेस्ट मटीरियल है वो उसको कहाँ स्टोर करते हैं, अपने उस लीफ में स्टोर कर देते हैं, फिर जब वो लीफ गिर जाता है तो वो उस बॉडी से डिस्पैच आउट हो जाता है, यानी वो जो वेस्ट मटीरियल वो प्लांट से बाहर निकल गया, गिर गया वो। अदर वेस्ट मटीरियल दैट आर रिमूव बाय सम प्लांट्स आर रिजन बाय कॉन्फ्रेस ट्रीज, यानी कॉन्फ्रेस ट्रीज से क्या मिल रहा है, रिजन मिल रहे हैं, गम्स किससे मिल रही है, कीकर से मिल रही है, लेटेक्स रबर प्लांट से मिल रहा है, और मिसलेज कार्निवोरस प्लांट्स और लेडी फिंगर से मिलता है। यानी ये कुछ ऐसे कह लो कि स्टिकी मटेरियल्स हैं, पानी की तरह है, गम की तरह है, ठीक है, ये उन्होंने डिफरेंट डिफरेंट बताया कि कौन सी चीज कहाँ से मिल रही है, इस पैराग्राफ को अच्छे से याद करिएगा, एमसीक्यूज में ये आ जाता है, और वैसे तो ये इनमें से यानी तीनों में से किसी भी टॉपिक के ऊपर शॉर्ट क्वेश्चन आंसर भी में भी आ जाता है, ठीक है। नाउ ब्लू बॉक्स, द रिमूवल ऑफ एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स इज द सेकेंडरी फंक्शन ऑफ लीव फॉल, द लीव आर नॉट शेड, द कैल्शियम ऑक्सीलेट जस्ट रिमेन एज हार्मलेस क्रिस्टल्स इन द लीफ। सो वो यहाँ पे बात कर रहे हैं कि लीफ का वैसे काम एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स को प्लांट की बॉडी से बाहर निकालना नहीं है, लीफ का मेजर रोल तो फोटोसिंथेसिस है, क्लोरोफिल, स्टोमेटा ओपनिंग क्लोजिंग, कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन की चेंजेस वाटर की ट्रांसपरेशन में है, लेकिन वो ये कह रहे हैं कि अगर वो ऐसे प्लांट्स जो कि अपने लीफ के अंदर स्टोर कर लेते हैं अपने एक्स्ट्रा मेटाबॉलिक वेस्ट, जैसे कि उन्होंने यहाँ पे कैल्शियम ऑक्सीलेट का नाम दिया, तो अगर तो वो लीफ गिर जाता है तो वो उसका एक सेकेंडरी फंक्शन हुआ कि उसने उस वेस्ट मटीरियल को लिया और वो बॉडी से बाहर यानी गिर गया, और वो अब जो मटीरियल है वेस्ट मटीरियल वो प्लांट के लिए ना तो हार्मलेस है ना हार्मफुल है, यानी उसके यूज में नहीं आ रहा। लेकिन वो यहाँ पे बात ये भी कर रहे हैं कि अगर वो उसमें यानी हार्म जो भी मटेरियल था हार्मफुल या हार्मलेस वो उन्होंने लीफ में स्टोर कर दिया प्लांट में, लीफ शेड नहीं हुआ यानी नहीं गिरा, तब भी वो प्लांट को इतना इशू क्रिएट नहीं कर रहा, ठीक है, यानी तब भी वो मटेरियल प्लांट के लिए ऐसे कोई इतनी बड़ी बात नहीं है कि वो उसको इतने डिस्टर्बेंस कर रहा है कि उसमें फोटोसिंथेसिस नहीं हो पा रही है या एक्सचेंज ऑफ मटीरियल नहीं हो रहा, ठीक। देन आ जाता है ऑस्मोटिक एडजस्टमेंट्स इन प्लांट्स, ऑन द बेसिस ऑफ द अवेलेबल अमाउंट ऑफ वाटर एंड सॉल्ट्स प्लांट्स आर डिवाइडेड इनटू थ्री ग्रुप्स। सो वो कह रहे हैं कि पानी और सॉल्ट्स की अवेलेबिलिटी पे वो उन्होंने आपके प्लांट्स को थ्री ग्रुप्स में डिवाइड कर दिया है, हाइड्रोफाइट, जीरोफाइट्स एंड हेलोफाइट्स। हाइड्रोफाइट्स आर द प्लांट्स विच लिव कम्प्लीटली और पार्शली सबमर्ज इन फ्रेश वाटर, यानी कि फ्रेश वाटर में रहने वाले पानी में रहने वाले जो प्लांट्स हैं उनको कह रहे हैं, लेकिन पानी एक रिवर सीज वाला होता है, वो वाला पानी नहीं, फ्रेश वाटर है ये, यानी कि हमारे जो घरों के आसपास कहीं पे कोई जो कह लो कि फ्रेश
पोंड कह लो छोटा सा कोई बन गया, या ये नहर के आसपास कह लो आप, ठीक है, यानी जो हमारे फ्रेश वाटर एरियाज होते हैं वहां पे जो प्लांट्स उगते हैं उनको हाइड्रोफाइट्स बोला जाता है। वो या तो कम्प्लीटली पानी उस पानी के अंदर होते हैं या फिर उनके लीव्स आधे पानी के अंदर होते हैं आधे पानी के बाहर होते हैं। सो सच प्लांट्स डू नॉट फेस द प्रॉब्लम ऑफ वाटर शॉर्टेज, यानी ऐसे प्लांट्स को पानी की कमी तो नहीं होती, सो ये वाला उनको प्रॉब्लम नहीं होता। तो प्रॉब्लम क्या होता है, दे हैव डेवलप मैकेनिज्म फॉर द रिमूवल ऑफ एक्स्ट्रा वाटर फ्रॉम देयर सेल्स। सो उनको प्रॉब्लम क्या कि उनको एक हद से ज्यादा पानी मिल रहा है, अब उन्होंने उस पानी को अपने से बाहर भी तो निकालना है ना, सो उनको प्रॉब्लम ये है कि उन्होंने अपने में से पानी को बाहर निकालना है, सो उन्होंने उस चीज के लिए अपने अंदर एक मैकेनिज्म डेवलप कर रखा है। अब वो मैकेनिज्म क्या है, हाइड्रोफाइट्स हैव ब्रॉड लीव्स विद अ लार्ज नंबर ऑफ स्टोमेटा ऑन देयर अपर सरफेस। वैसे स्टोमेटा लीफ की नीचे वाली सरफेस पे होते हैं, इनके लीफ की ऊपर वाली सरफेस में है स्टोमेटा। एक तो ये डिफरेंस है, दूसरा डिफरेंस ये है कि इनके जो लीफ हैं वो चौड़े चौड़े लंबे लंबे बड़े बड़े होते हैं जो आपको यहां पर भी नजर आ रहे हैं। सो दिस कैरेक्टरिस्टिक हेल्प देम टू रिमूव द एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ वाटर। द मोस्ट कॉमन एग्जाम्पल ऑफ सच प्लांट इज वाटर लिली। देन आ जाता है ज़ेरोफाइट्स, जो कि आ जाते हैं आपके डेजर्ट्स में रहने वाले प्लांट्स। ज़ेरोफाइट्स लिव इन ड्राई एनवायरनमेंट, दे पॉसेस थिक वैक्सी क्यूटिकल ओवर देयर एपिडर्मिस टू रिड्यूस वाटर लॉस फ्रॉम इंटरनल टिश्यूज। सो ये तो डेजर्ट में रहने वाले एनिमल्स हैं, सो इनके सॉरी प्लांट्स हैं, सो इनको क्या प्रॉब्लम होगी, इनको पानी ज्यादा की नहीं पानी की कमी की प्रॉब्लम होगी, इनको पानी मिलता नहीं होगा। जब कहीं मिलता होगा तो वो कहीं 6 महीनों बाद जाके या साल बाद जाके जब बारिश होनी है या जब कहीं वहां से कोई ट्रक वगैरह गुजरा है जिसने पानी था वो गिर गया है, यानी लकीली इनको अगर पानी मिलेगा तो ही इनकी कंडीशन होगी। सो इनमें प्रॉब्लम उस पानी को स्टोर करने की है, इन्होंने वो पानी ले लिया अब उसको ट्रांसपायरेशन नहीं होने देनी, सो उस चीज को इन्होंने स्टोर करना है पानी को। तो सबसे पहले इनमें पॉइंट क्या आ जाता है कि इनके लीफ के ऊपर वाली सरफेस पे जो क्यूटिकल होती है वो थोड़ी मोटी होती है, वैक्सी क्यूटिकल होती है, थिक होती है। दे हैव लेस नंबर ऑफ स्टोमेटा टू रिड्यूस द रेट ऑफ ट्रांसपायरेशन। दूसरा इन्होंने क्या मैकेनिज्म है कि इनके जो लोअर सरफेस पे स्टोमेटा है वो भी कम है ज्यादा नहीं है ताकि ट्रांसपायरेशन कम हो। सच प्लांट्स हैव डीप रूट्स टू अब्सॉर्ब मैक्सिमम वाटर फ्रॉम सॉइल। थर्ड मैकेनिज्म क्या है कि इनकी जो रूट्स होती है वो बहुत डीप होती हैं, ऊपर से देखने में आपको छोटा सा वो पौधा लग रहा होता है लेकिन जब उसको खोद के नीचे से निकालोगे तो जितना वो पौधा था ना उससे डबल ट्रिपल कहीं नीचे तक रूट्स गई होंगी उसकी, इतनी लंबी रूट्स होती हैं। एंड सम ज़ेरोफाइट्स हैव स्पेशल पेनकाइमा सेल्स इन स्टेम्स और रूट्स इन विच दे स्टोर लार्ज क्वांटिटीज ऑफ वाटर। दिस मेक्स देयर स्टेम्स और रूट्स वेट एंड जूसी कॉल्ड सर्कुलेंट ऑर्गन्स। फॉर एग्जाम्पल कैक्टाई आर द कॉमन एग्जाम्पल ऑफ सच प्लांट। इसके अलावा वो कह रहे हैं फोर्थ में मैकेनिज्म क्या है कि इन्होंने इनके जो पेरेन्काइमा सेल्स हैं उनमें स्टोरेज एबिलिटी है, वो पानी को अपने अंदर स्टोर रखते हैं, ठीक है। सो जब वो स्टोर रखते हैं तो ऐसे उनमें जो ऑर्गन्स हैं जो कि अपने अंदर पानी को स्टोर रखते हैं जैसे स्टेम आ गई या रूट आ गई तो वो वेट रहते हैं, गीले रहते हैं और जूसी भी होते हैं। सो उनको नाम दिया जाता है सकुलेंट ऑर्गन क्योंकि उन्होंने सक करके अपने अंदर एक चीज स्टोर रखी होती है। और इसमें क्या एग्जाम्पल वो दे रहे हैं कैक्टाई, जो कैक्टस है वो ज़ेरोफाइट की एग्जाम्पल में आ जाता है। देन आगे हेलोफाइट्स। हेलोफाइट्स वो प्लांट्स हैं जो कि कहाँ रह रहे हैं आपके समुद्रों में, सी वाटर में जो रहते हैं, ठीक है। हेलोफाइट लिव इन सी वाटर एंड आर अडॉप्टेड टू सॉल्टी इन्वायरमेंट। अब इनको क्या प्रॉब्लम है कि वो जो समुद्र का पानी होता है वो खारा होता है, नमकीन होता है, सो इनको सॉल्ट की प्रॉब्लम है, ठीक है। इनको बहुत ज्यादा सॉल्टी इन्वायरमेंट मिलता है। सॉल्ट्स एंटर इन द बॉडी ऑफ सच प्लांट्स ड्यू टू देयर हायर कंसेंट्रेशन इन सी वाटर। सो क्या होगा कि सॉल्ट ज्यादा पानी के साथ उस प्लांट की बॉडी में भी जाएंगे। ऑन द अदर हैंड वाटर टेंड्स टू मूव आउट ऑफ देयर सेल्स इन टू द हाइपरटोनिक सी वाटर। और इसके अलावा क्या हो रहा होगा कि सी वाटर जो है वो हाइपरटोनिक है, यानी बाहर सॉल्ट की कंसेंट्रेशन ज्यादा है और प्लांट के अंदर सॉल्ट की कंसेंट्रेशन कम है, तो ऑटोमेटिकली पानी सॉल्ट पानी है वो प्लांट की बॉडी से बाहर जाने की कोशिश भी कर रहा होगा सेम टाइम पे, यानी बाहर से सी वाटर यानी खारा पानी उनकी बॉडी में आ रहा होगा और उनकी बॉडी वाला जो पानी है वो भी बॉडी से बाहर जाने की भी कोशिश कर रहा होगा। When salt enter into cell, plants carry out active transport to move and hold large amount of salts in vacuum. तो अब उन्होंने क्या काम करना है, उन्होंने अपनी बॉडी में पानी को तो अंदर ही रखना है ना, तो वो क्या करेंगे अपनी बॉडी के अंदर हाइपरटोनिक सोल्यूशन क्रिएट करेंगे, ठीक है। यानी जितना उनकी बॉडी यानी जितना
बाहर एनवायरनमेंट में, यानी सॉल्टी एनवायरनमेंट, खारा पानी है ना, जितना बाहर उनकी वो खारा पानी है वो अपने अंदर भी उतना ही सॉल्ट एक्यूमुलेट कर लेते हैं, इकट्ठा कर लेते हैं, ताकि दोनों जगह पे कंसंट्रेशन सॉल्ट की सेम हो जाए। तो वो क्या करते हैं कि जब स्टार्टिंग में ही जब वो न्यू डेवलप हो रहे होते हैं, तो जब उनके अंदर सॉल्ट वाटर एंटर होता है, तो वो एक्टिव ट्रांसपोर्ट करके यानी एनर्जी वेस्ट करके उस सॉल्ट को अब उधर से एब्जॉर्ब कर लेते हैं पानी से और अपने वैक्यूल के अंदर स्टोर कर लेते हैं। जब अपनी वैक्यूल के अंदर वो पानी को सॉल्ट को स्टोर कर लेंगे तो ऑटोमेटिकली उनके अंदर भी अब सॉल्ट ज्यादा है और पानी में भी सॉल्ट ज्यादा है, यानी कि दोनों में अब सॉल्ट सेम हो गया। तो जो उनके अंदर वाला पानी है फिर वो बाहर नहीं जा पाएगा। टोनिसिटी को अगर कहूं तो मैं आइसोटोनिक सोल्यूशन हो जाएगा फिर। सो सॉल्ट्स आर नॉट अलाउड टू मूव आउट थ्रू द सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन ऑफ वैक्यूल, सो द सैप ऑफ वैक्यूल रिमेन्स इवन मोर हाइपरटोनिक देन सी वाटर। इन दिस वे वाटर डज नॉट मूव आउट ऑफ सेल्स। मेनी सी ग्रासेस आर इंक्लूड इन द ग्रुप ऑफ प्लांट्स। यानी बाकी यहाँ पे क्या कह रहे हैं कि बहुत सारी सी ग्रासेस हैं वो इसमें हाइलोफाइट्स की एग्जाम्पल में आ जाती हैं। सो अब ये भी आपका फिलहाल ऐसा अभी इसमें जब अभी तक जो पढ़ा है लॉन्ग तो कुछ नहीं है, शॉर्ट ही है। इनमें से भी कोई एक टॉपिक शॉर्ट का आ सकता है, राइट नोट ऑफ हाइड्रोफाइट या व्हाट आर द डेवलप्ड मैकेनिज्म ऑफ हेलोफाइट या हाइड्रोफाइट या जीरोफाइट, या फिर ये पूछा जा सकता है कि गिव द एग्जाम्पल्स ऑफ हेलोफाइट हाइड्रोफाइट या जीरोफाइट या व्हाट आर द प्रॉब्लम फेस बाय जीरोफाइट्स, ठीक है। यानी कुछ भी इस तरह शॉर्ट में पूछा जा सकता है इनमें, यहाँ ऊपर वाला भी ये भी शॉर्ट में आपको एमसीक्यूज के लिए आ सकता है। इसके अलावा पीछे भी सारा आपका शॉर्ट ही है, लॉन्ग ऐसा कुछ भी नहीं है। डिफाइन ऑस्मोरेगुलेशन, डिफाइन थर्मोरेगुलेशन, एक्सक्रीशन भी आ सकता है, ठीक है। आज हमने सब पढ़ लिया, ये ब्लू बॉक्स नहीं मैंने पढ़ा था, ये पढ़ देती हूँ। ऑस्मोरेगुलेशन इज द मूवमेंट ऑफ वाटर फ्रॉम हाइपरटोनिक सॉल्यूशन लेस सॉल्यूट कंसंट्रेशन टू हाइपरटोनिक सॉल्यूशन हायर सॉल्यूट कंसंट्रेशन थ्रू सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। यानी उन्होंने आपको ऑस्मोसिस की डेफिनेशन बता दिया कि वो क्या है, आपके सॉल्यूशन का यानी पानी की मूवमेंट को वो यहाँ पे कह रहे हैं। नाइन्थ में पढ़ के आए हो फिर भी मैं आपको रिकॉल करा रही हूँ कि पानी की मूवमेंट है हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में, हाइपरटोनिक सॉल्यूशन से, यानी जहां पे पानी ज्यादा है वो पानी वहां से मूव करता है जहां पानी कम है, ठीक है। क्लियर हो गया आज का टॉपिक आपका, चले अब इसको अच्छे से याद करिएगा, लिखिएगा। अल्लाह हाफिज़।